गुड मॉर्निंग सर। हेलो बेटे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर।
हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभी तो आवाज आ सर। रही है मेरी? यस सर, आ रही गुड है, आ रही है। मॉर्निंग यस सर। हेलो, हेलो, हेलो हेलो, सर आ रही है, सर आती है सर। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। सर हाँ बेटे, गुड मॉर्निंग बेटे, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ यस सर, आ रही है हम आवाज। बोलने कुछ तो आवाज नहीं आ रही बेटे, बिल्कुल। हाँ, वो माय गॉड, हुआ हेलो। सुधीर सर आवाज। हेलो, सर को नहीं आ रही है आवाज। गुड मॉर्निंग सर। वॉइस नहीं आ रही आपकी। बेटे शायद इसमें साउंड नहीं बेटे जा रही है, हमें लगता है। पहुंचा जी सर, अब आ रही है। तो दिया बेटे। जी सर। चार्जिंग में लगा दिया है। एक सेकंड देख लेना आते जरा। हाँ, हेलो हेलो। यस सर। सर को आवाज नहीं आ रही।
हाँ बेटे आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही है सर, आ रही है आपकी आवाज। नहीं नहीं हाँ नहीं बेटे सर को हम लोगों की नहीं आ रही। मोबाइल से फोन किया आपको? नहीं मेरी आवाज पहुंच रही है बेटे? ठीक है चलो ठीक है, बस यही जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने गुड मॉर्निंग का कुछ जवाब ही नहीं आया। हाँ ठीक है बाय। सो इन एग्जाम ना राइट डाउन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम। द एग्जाम हैज The axon has a long central core of cytoplasm. The axon has सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे सर को हम लोग की आवाज भी नहीं जा रही है। तो बोलो भैया सर से, हम सुनाई नहीं पड़ सर रहे के कुछ। पास कोई कॉल करो। हाँ मैं करती हूँ, रुको। दिशा अरे सर ने अपना माइक ऑफ करके रखा है। नहीं आकृति सर की आवाज आ रही, हम लोग सर को हम लोग की आवाज नहीं आ रही है। वो है गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, यहाँ से उनको आवाज नहीं जा रही। नहीं नहीं अभी सर तो माइक नहीं आ रही है, अभी तो उन्होंने माइक ऑफ किया हुआ है ना। हेलो यस सर अब आ रही आवाज। यस सर आ रही आवाज। हेलो सर को अब हमारी आवाज नहीं आ रही। दिशा दिशा हाँ सर को कॉल करके ये बोलो सर आपकी आवाज आ रही है और हम आपको हम लोग की आवाज नहीं आ रही है। बोला मैंने सर से, सर को कॉल आप देखो आ रही है?
यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। मन्नू हेलो यस सर यस सर आ रही है आपकी आवाज। ठीक है बेटा थैंक यू बेटा। मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम। द एग्जाम हैज अ लॉन्ग सेंट्रल कोर। द एग्जाम हैज अ लॉन्ग सेंट्रल कोर कोर सी ओ आर ई कोर ऑफ साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म कॉल्ड एग्जोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसको? एग्जोप्लाज्म। The exoplasm is covered by a thin membrane. इसको क्या बोलते हैं? एक्सोलीमा। a thin membrane called exolema, AXOLEMMA, exolema. The exoplasm along with exolema is called the axis cylinder of the nerve fiber. अब एक्सोप्लाज्म में क्या क्या चीज होती है? एक्सोप्लाज्म कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। एक्सोप्लाज्म कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोफिब्रिल्स। एक्सोप्लाज्म कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोफिब्रिल्स and exoplasmic vesicles vesicles vesicles. But nasal bodies But nasal bodies are absent in the exon. Most of the axons are insulated by myelin sheath. Most of the axons are insulated means covered, insulated, insulated by myelin sheath. Myelin, M-Y-E-L-I-N, myelin sheath, and are called
myelinated nerve fibers and are called myelinated nerve fibers. Those without myelin sheath are called non-myelinated nerve fibers. The area where the myelin sheath is absent, the area where the myelin sheath is absent is called node of Ranvier. Node, N-O-D-E, node of Ranvier, R-A-N-V-I-E-R, node of Ranvier. The segment between the two nodes is called the segment of the nerve fiber between the two nodes is called internode. Myelin sheath is responsible for the white color of the nerve fiber. Myelin sheath is responsible for the white color of the nerve fiber. Due to myelin sheath, there is a faster conduction of impulses. Due to myelin sheath, there is a faster conduction of impulses through the nerve fibers. In these nerve fiber, in these nerve fibers, the impulses jump maine kudna, the impulses jumps from one node to another. The transmission of impulse from one node to another, the transmission of impulse from one node to another is by means of saltatory conduction. Saltatory, S-A-L-T, saltatory, A-T-A-T-O-R-Y, saltatory conduction. Myelin sheath also has a high insulating capacity.
बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस मार्जिन शीट रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट मैंने रोकना, द मार्जिन शीट रिस्ट्रिक्ट द नर्व इंपल्स, रिस्ट्रिक्ट द नर्व इंपल्स विद इन द सिंगल नर्व फाइबर, विद इन द सिंगल नर्व फाइबर एंड प्रिवेंट द स्टिमुलेशन एंड प्रिवेंट द स्टिमुलेशन ऑफ नेबरिंग नर्व फाइबर. Now write down neurilemma. Neurilemma, NeurileMA. Neurilemma. ये क्या चीज होती है? Neurilemma. Surrounding the myelin sheath, there is a thin membrane. Surrounding the myelin sheath, there is a thin membrane that is called neurilemma. It is also called sheath of Schwann. Sheath, S-H-E-A-T-H, sheath, S-H-E-A-T-H, sheath. Of Schwann, Schwann, S-C-H-S-C-H-W-E-N-N, sheath of Schwann. This contains Schwann cell. This contains Schwann cells. Which have elongated nuclei. One nucleus is present in each internode of the axon. One nucleus is present in each internode of the axon, and the nucleus is situated between the myelin sheath and neurilemma. Neurilemma is necessary for the formation of myelin sheath. Neurilemma is necessary for the formation of myelin sheath. So after neuron, the next is in the nervous system is synapse. जहां दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं उस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? साइनेप्स. साइनेप्स, एस वाई. सो टुडे मेन टॉपिक इज साइनेप्स, SYNAPSE, साइनेप्स. साइनेप्स, द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन,
जंक्शन बिटवीन द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। साइनेप्स के कुछ डायग्राम मैंने आपको कल व्हाट्सएप पे भेज दिए हैं, उनको भी आप देखते जाइएगा। द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। It is not the anatomical continuation. It is not the anatomical continuation, but it is only a physiological continuity. But it is only a physiological continuity between the two nerve cells. Classification of synapse. ये synapse clear हो गया, जहां दो neuron का ज्वाइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? साइनेप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ साइनेप्स। वन इज एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन। One is anatomical classification. Second one is functional classification. तो पहला हम कौन सा लेंगे? Anatomical classification. The synapse is classified into three types. The synapse is classified into three types. ये किसके अंतर्गत है? Anatomical classification. इसमें पहला कौन सा आएगा? First one is exosomatic synapse. Exosomatic. SOMATIC. Exosomatic synapse. In this, the axon of one neuron, exosomatic synapse. In this, the axon of one neuron, ends on the soma. Soma is the cell body. Ends on the soma of SOM, soma of another neuron. इसका डायग्राम मैंने भेज रखा है कल आपको. सेकेंड एक्सो डेंड्राइटिक साइनेप्स. एक्सो एक्सो डेंड्राइटिक DENDRITIC एक्सो डेंड्राइटिक साइनेप्स. इसमें क्या होता है? एक्सॉन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन टर्मिनेट्स ऑन द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन. एक्सॉन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन terminates on the dendrites of the next neuron. The third type of synapses is किसमें आ रहा है? In anatomical classification. Third is इसमें क्या होता है? दोनों एक्सॉन आपस में synapse बनाते हैं. एक्सॉन एक्सॉन ए एक्सो एक्सो
एक्सोनिक, AXONIC, एक्सोनिक साइनेप्स, एक्सोनिक साइनेप्स। The axon of one neuron, the axon of one neuron terminates on axon of another neuron. Second type of classification is functional classification. Functional classification. इसमें जब फंक्शनल होता है, फंक्शन को अगर बेस ले लिया जाए तो साइनेप्स कितने तरीके का होता है? टू टाइप्स। अभी दो टाइप कौन सी हैं? वन इज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, सेकेंड इज केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, सेकेंड इज केमिकल साइनेप्स। In the electrical synapse, there is a continuity between, there is continuity between the presynaptic, there is continuity between the presynaptic and postsynaptic neurons. There is a continuity between the presynaptic and postsynaptic neurons. The continuity is provided by the gap junction. The continuity is provided by the gap junction between the two neurons. So there is a direct exchange of ions. So there is a direct exchange of ions between the two neurons. So there is a direct exchange of ions between the two neurons. Because of this, because of this, the action potential reaching the presynaptic terminals because of this action potential reaching the presynaptical terminals produces a potential change in the postsynaptic neurons.
द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज दैट दैट देयर इज अ मिनिमल मिनिमल में कम से कम देयर इज अ मिनिमल साइनेप्टिक डिले देयर इज अ मिनिमल साइनेप्टिक डिले because of the direct flow of the current because of the direct flow of the current unlike in the chemical synapse the impulse can be transmitted in either direction through the electrical synapse. यानी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इलेक्ट्रिकल इंपल्स दोनों तरफ लो कर सकते हैं. द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज फाउंड नॉट ओनली द नर्वस सिस्टम बट ऑल्सो between some non-nervous cells, between some non-nervous cells like the cardiac muscle cells, smooth muscle fibers of the intestine. And the epithelial cells of the lens So this is the electrical synapse. दूसरा synapse होता है chemical synapse. दो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में गैप होता है. इसमें प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एक न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करती हैं. वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो उसको जाके स्टिमुलेट करते हैं. इसको क्या बोलते हैं? केमिकल साइनेप्स. सो इन केमिकल साइनेप्स देयर इज नो कंटिन्यूटी. इन केमिकल साइनेप्स देयर इज नो कंटिन्यूटी बिटवीन द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स बिटवीन द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स because of the presence of a space called synaptic cleft, CLEFT, synaptic cleft. फिर सुन लीजिए. इन द केमिकल साइनेप्स देयर इज नो कंटिन्यूटी
between the presynaptic and postsynaptic neurons because of the presence of a space called synaptic cleft between the two neurons. The action potential reaching the presynaptic terminals, causes the release of neurotransmitters from the vesicles of from the vesicles of the terminal. The neurotransmitter reaches to the postsynaptic neuron. Through synaptic cleft, and causes the production of potential change and causes the production of potential change. Next is अब synapse का structure कैसा होता है. The structure of synapse. The neuron from which axon arises is called presynaptic neuron. And the neuron on which the axon ends, and the neuron on which the axon ends is called postsynaptic neuron. The axon of presynaptic neuron the axon of the presynaptic neuron divides into many small branches. Before forming the synapse. The branches are known as presynaptic axon terminals.
एनाटॉमिकली द एग्जॉन टर्मिनल्स आर टू टाइप्स. एनाटॉमिकली द एग्जॉन टर्मिनल्स, द एग्जॉन टर्मिनल्स आर ऑफ टू टाइप्स. Anatomically, the axon terminals are of two types. Some of the terminals are enlarged slightly as nobs, K-N-O-B-S, nobs. And these are called terminal nodes, K-N-O-B-S, nodes. The terminal nodes are concerned with, the terminal nodes are concerned with excitatory function of the synapse. The terminal nodes are concerned with the excitatory function of the synapse. The other terminals are wavy, W-A-V-Y. The other terminals are wavy or coiled मैंने घुमावदार, COILED, coiled with free ending without knob, with free ending without knob. These terminals are concerned with inhibitory function. These terminals are concerned with inhibitory function. The presynaptic terminals. The presynaptic terminals has two important structures. Has two important structures. अभी दो important structure कौन से होते हैं? One is mitochondria. And second is synaptic vesicles. पहले कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया. अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? माइटोकॉन्ड्रिया which help in the synthesis of chemical neurotransmitter substance. Which help in the synthesis of chemical neurotransmitter substances. Mitochondria क्या काम करते हैं? Which help in the synthesis of chemical neurotransmitter substances. यादव जी ये क्या दिखा रहे हो बेटे? गुणा वर्ग क्या दिखा रहे हो बेटे? संजय यादव,
So mitochondria which help in the synthesis of chemical neurotransmitter substances. और synaptic vesicles क्या करता है? Which store neurotransmitter. Synaptic vesicle mitochondria neurotransmitter बनाता है और ये store कहाँ पर होता है? Vesicle के अंदर. Synaptic vesicles which store the neurotransmitter substances. तो आज का लेक्चर बेटे यहीं खत्म होता है. साइनेप्स अब कल है थर्सडे, कल की क्लास मैं 11 बजे लूंगा. थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू बेटे, खुश रहिए. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय बेटे, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए.